Hey everyone, welcome to Study with Aman. This is Amandeep Kaur. Today we are going to cover part 2nd of our Science and Technology Current Affairs series from December 2019 to March 2020. This is the last part. Video एक ही part में cover कर दूंगी. मैंने सोचा कि जितने क्योंकि exam तो अभी postpone हुआ है, लेकिन फिर भी होगा तो सही एग्जाम, तो मैंने सोचा आपको रिवीजन के लिए अच्छा टाइम मिल जाए, इसलिए वीडियोस लंबे हैं क्योंकि आपको शॉर्ट वीडियोस भी कवर करने हैं, लॉन्ग वीडियोस भी कवर करने हैं, क्योंकि आपको सारा सिलेबस ही कवर करना है. तो वीडियो बड़ी हो छोटी हो मेरे ख्याल से कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो इसीलिए मैं बड़े वीडियोस बना रही हूँ, क्योंकि सेपरेट छोटे छोटे वीडियो देखने से अच्छा है मेरे ख्याल से एक ही बार में एक ही वीडियो में सब कुछ कवर हो जाए तो वो बेटर होता है मेरे ख्याल से. सो आज जो हमारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी का ये वाली जो सीरीज है, ये वाला जो लेक्चर है, ये उनके लिए है जिन्होंने इस साल एग्जाम देना है, 2020 देना है. जिन्होंने 2021 देना है उनके लिए ये नहीं है. उनको जो करंट अफेयर्स पढ़ना शुरू करने हैं वो अप्रैल ऑनवर्ड्स करने हैं, अप्रैल 2020 ऑनवर्ड्स. और उसका एक लेक्चर अप्रैल का जो फर्स्ट वीक का जो लेक्चर है वो कवर मैंने करवा दिया है. एक लेक्चर हमारा हो चुका है, अभी सेकेंड वीक के करंट अफेयर्स का लेक्चर भी आएगा. सो आज का वीडियो हम शुरू करते हैं. सबसे पहले जो है हमारा टॉपिक जो है हमने साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हमने स्पेस टेक्नोलॉजी कवर कर ली है, हेल्थ टेक्नोलॉजी कवर कर ली है, तो आज हम डिफेंस टेक्नोलॉजी शुरू करेंगे. डिफेंस टेक्नोलॉजी में सबसे पहले हमारा टॉपिक है एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल स्पाइक. सो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल स्पाइक न्यूज में इसलिए दी क्योंकि जो हमारी इंडियन आर्मी है उसने क्या किया है, उसने इंडक्ट किया है इजराइल मेड एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल स्पाइक along the LOC in Northern Command Theater in Jammu and Kashmir to bolster defense along the country's border with Pakistan. तो इसीलिए ये न्यूज में है. तो इसमें याद ये रखना है कि जो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल स्पाइक है ये इंडियन आर्मी ने कहाँ से ली है, ये इजराइल से ली है. इजरायली मेड ये गाइडेड मिसाइल है और इसको जो है फायर एंड फॉरगेट जो है मिसाइल भी कहते हैं. स्पाइक ATGMS आर मैन पोर्टेबल एंड आर पावरफुल इनफ टू डिस्ट्रॉय टैंक्स एंड बस्ट बंकर्स विद इन 4 किलोमीटर. तो ऐसे कीवर्ड्स हैं जो आपने याद रखने हैं. सो फायर एंड फॉरगेट एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स हैव अ स्ट्राइक रेंज ऑफ अप टू 4 किलोमीटर्स and can be used to destroy bunkers, shelters, launching pads and terrorist training camps close to the LOC. So missile can be deployed. इसकी ये कुछ फीचर्स होते हैं मिसाइल्स के. जैसे यूपीएससी में एक आध क्वेश्चन तो पूछ ही लिया जाता है डिफेंस टेक्नोलॉजी के ऊपर प्रीलिम्स में. तो अगर कोई भी जैसे किसी मिसाइल के बारे में पूछा गया तो उसके फीचर्स जैसे कि 3 स्टेटमेंट दे दिए जाते हैं, इसलिए हमें थोड़ा जो है फीचर्स का भी पता होना जरूरी है. सो मिसाइल्स कैन बी डिप्लॉयड इन बोथ mountains and plains. They can be fired from different platforms including vehicles, helicopters, ships and ground launches. So second हमारा जो है Avangard मिसाइल. Avangard मिसाइल जो है रशियन मिलिट्री की मिसाइल है, ये इंडिया की नहीं है. रशिया's मिलिट्री डिप्लॉयड, जो रशिया की मिलिट्री ने डिप्लॉय की है एक न्यू इंटरकॉन्टिनेंटल वेपन जो कि Avangard हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम दैट कैन फ्लाई 27 टाइम्स द स्पीड ऑफ साउंड. दिस विल बी रशियन मिलिट्रीज फर्स्ट Avangard हाइपरसोनिक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल. तो ये इसलिए न्यूज में थी क्योंकि ये रशिया की मिलिट्री ने डिप्लॉय की है और ये रशिया की मिलिट्री ने फर्स्ट टाइम किया है, तो इसलिए न्यूज में थी. उसके बाद है K4 मिसाइल्स. इट इज अ 3500 किलोमीटर रेंज न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल. ये इंपॉर्टेंट है कि ये न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल है. सो दैट कैन बी लॉन्च्ड फ्रॉम अ सबमरीन. इसको सबमरीन से लॉन्च किया जा सकता है. सबमरीन जो होता है पनडुब्बी होती है जो कि पूरा जैसे कि शिप होता है, तो सबमरीन जो है पूरा का पूरा पानी के अंदर जा सकता है. शिप जो होता है वो पूरा का पूरा पानी के अंदर नहीं जाता है. सो मिसाइल इज बीइंग डेवलप्ड. इंपॉर्टेंट इसलिए है मिसाइल इज बीइंग डेवलप्ड बाय इंडिया डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन. सो ये इंडिजीनियसली मेड है एंड इट इज टू बी फिटेड इनटू द इंडिजीनियसली बिल्ट अरिहंत क्लास न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन ऑफ द इंडियन नेवी. सो जो अरिहंत क्लास न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन है उसके ऊपर इसको फिट किया जाएगा और जो अरिहंत है उसको भी हमने इंडिजीनियसली डेवलप किया है. तो K4 को हमने इंडिजीनियसली डेवलप किया है, कहीं से परचेज जो है हमने इसे नहीं किया है. सो नेक्स्ट हमारा धनुष गन सिस्टम. धनुष गन सिस्टम, धनुष अ प्रोडक्ट ऑफ ज्वाइंट एफर्ट्स बाय ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड, द इंडियन आर्मी विद कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम DRDO. तो ये भी धनुष गन सिस्टम जो है इंडिजीनियसली मैन्युफैक्चर्ड है। यहाँ पे डीआरडीओ और ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड जो इंडियन आर्मी का है, दोनों ने इसे मिलकर ज्वाइंटली मैन्युफैक्चर किया है। एंड सेवरल अदर गवर्नमेंट एंड प्राइवेट एंटरप्राइजेस भी इसमें इन्वॉल्व थे। इट इज एन इम्प्रूव्ड वर्जन ऑफ FH-77B। ये इतना आपने याद नहीं रखना है, इतने सारे जो वर्ड्स होते हैं, नाम होते हैं, फील्ड, इतना से याद रख लो कि इट इज एन इम्प्रूव्ड वर्जन ऑफ हॉबिट्जर दैट वर ओरिजिनली प्रोड्यूस्ड बाय एबी वॉफर्स ऑफ स्वीडन व्हिच इज नाउ BAE सिस्टम्स। सो इट इज द फर्स्ट लॉन्ग रेंज, ये याद रखना है कि इट इज द फर्स्ट, जहाँ पे भी फर्स्ट लास्ट ऑफ हेल्थ कुछ होता नहीं है कभी, क्योंकि उसके बाद कुछ ना कुछ होता रहता है, लेकिन जहाँ पे फर्स्ट वर्ड आ जाए ना, मैक्सिमम, मिनिमम, ऐसे वर्ड्स के ऊपर ज्यादा फोकस करना होता है, इसमें से क्वेश्चंस बनते हैं। सो इट इज द फर्स्ट लॉन्ग रेंज आर्टिलरी गन टू बी प्रोड्यूस्ड इन इंडिया and has been billed as a success of government's Make in India initiative. So धनुष गन सिस्टम जो हमारा सिस्टम है, ये फर्स्ट लॉन्ग रेंज आर्टिलरी गन सिस्टम है इंडिया का, और इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि जो इंडिजीनियसली मैन्युफैक्चर्ड है। सो उसके बाद एक एक्सरसाइज न्यूज में थी जिसका नाम है अफरन। इट इज अ लार्ज स्केल एंटी हाईजैकिंग एक्सरसाइज कंडक्ट कराई गई थी, कि जैसे प्लेन्स वगैरह को हाईजेक कर लेते हैं तो एक्सरसाइजेज इसलिए करवाई जाती है कि थोड़ी वहां पे रिहर्सल्स वगैरह होती है, हमारी जो भी फोर्सेस इसमें इन्वॉल्व होती है उनके जो है वहां पे ट्रेनिंग वगैरह दी जाती है। सो एक्सरसाइज की, इसको कंडक्ट करवाया था बाय इंडियन नेवी इन कोलैबोरेशन विद इंडियन कोस्ट गार्ड। सो दिस ईयर इट वाज कंडक्टेड इन केरला। तो ये इंपॉर्टेंट है कि इस साल जो अफरन जो है एक्सरसाइज हुई थी, ये केरला में हुई थी, और कंडक्ट किसने करवाया था? इंडियन नेवी इन कोलैबोरेशन विद इंडियन कोस्ट गार्ड। इट इज इम्पोर्टेंट फॉर इंडिया टू स्ट्रेंथन इट्स एंटी पायरेसी स्किल्स। ये इसलिए है कि जैसे इंडियन नेवी ने कंडक्ट करवाई है, तो डेफिनेटली जो शिप्स वगैरह है उनको कोई हाईजेक ना कर ले, क्योंकि पायरेसी के बहुत ज्यादा इंसिडेंट्स होते हैं जब हमारे शिप्स वगैरह पानी में एक कंट्री से दूसरी कंट्री जाते हैं या फिर कहीं ना कहीं किसी ऑपरेशन के लिए जाते हैं, तो पायरेसी का बहुत खतरा रहता है। समुद्री लुटेरे जो होते हैं वो जो है लूट लेते हैं शिप्स को, तो इस तरह का है। तो पायरेसी से बचने के लिए है कि हमें ऐसी स्किल्स की जरूरत है, क्योंकि हमारे यहाँ पे क्या है, एज टेररिस्ट मेक देयर वे ऑन टू द इंडियन शोर्स वाया इनफ्लेटेबल स्पीड बोट्स। तो यहाँ पे टेररिस्ट का खतरा रहता है, इसलिए हमें ऐसी एक्सरसाइजेस कंडक्ट करवानी पड़ती है, क्योंकि हमें ऐसी अपनी जो हमें इंडिया को जो है स्किल्स है उनको स्ट्रेंथन करने की जरूरत है। सो उसके बाद है MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर्स। ये क्या है, इसको जो है बनाया किसने है? मेड बाय डिफेंस जायंट लॉकहीड मार्टिन। तो ये इंडिया के नहीं है, इंडियन मेड नहीं है। इट इज वन ऑफ द मोस्ट एडवांस्ड नावल हेलीकॉप्टर इन वर्ल्ड, used by USA Navy among others. So it will be purchased directly from US government. हम जो है इसको USA की गवर्नमेंट से डायरेक्टली परचेज कर रहे हैं अंडर अ फॉरेन मिलिट्री सेल्स एग्रीमेंट विद द US डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस। सो इंडिया का आजकल जो है USA के साथ डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में काफी ज्वाइंट कोलैबोरेशन हो रही है, तो उसी प्रोग्राम के अंडर हम डायरेक्टली परचेज करेंगे USA की गवर्नमेंट से MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर्स को। इट इज द मोस्ट केपेबल and mature anti-submarine warfare, anti-surface warfare, multi-mission हेलीकॉप्टर अवेलेबल इन द वर्ल्ड टुडे। ये इंपॉर्टेंट है द मेकर्स से, तो इसके मेकर्स कहते हैं कि इट इज द मोस्ट केपेबल एंड मेच्योर एंटी सबमरीन वॉरफेयर, एंटी सर्फेस वॉरफेयर, मल्टी मिशन हेलीकॉप्टर अवेलेबल इन द वर्ल्ड टुडे। सो अगर हम इसे परचेज करें तो हमें बहुत फायदा होगा, हमारी जो है मिलिट्री की जो कैपेसिटी है वो बिल्ड होगी, और काफी ज्यादा, क्योंकि इतना एडवांस्ड लेवल का हम जो हेलीकॉप्टर हमारे यहाँ पे होगा तो हमें फायदा ही होगा। सो MH-60 इज डिजाइंड टू हंट डाउन सबमरीन्स। तो इसका काम क्या है? टू हंट डाउन सबमरीन्स एंड विल एड टू द स्ट्रेटेजिक डेप्थ एंड कॉम्बैट कैपेबिलिटी ऑफ द इंडियन नेवी। सो ये ध्यान रखना है, इंडियन नेवी के लिए इसे लिया गया है। इट इज केपेबल ऑफ लॉन्चिंग हेलफायर मिसाइल्स from the right and left extended pylons. It also has an advanced system for passive detection, location and identification of emitters. It cannot only track and hunt ships. ये सिर्फ इतना नहीं है कि ये जो है ships को track and hunt कर सकता है, उसके अलावा क्या है, but is also used by USA Navy as an anti-submarine weapon. तो ये है पूरा MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर्स के बारे में। उसके बाद जो है भुवन पंचायत न्यूज में थी, भुवन पंचायत 3.0। तो ये है क्या? ये एक जियो इमेजिंग वेब पोर्टल है। सबसे पहले तो ये है कि जियो इमेजिंग वेब पोर्टल ऐसा एक वेब पोर्टल जहां पे हमें इंफॉर्मेशन मिलेगी जितना भी हमारा जैसे ज्योग्राफिकल एरिया है उसकी पूरी इमेजेस के कौन सा जो एरिया, जैसे एक एरिया है वहां पे जैसे कि मान लो एक विलेज है वहां पे कौन सा एसेट कहाँ पे लोकेटेड है उसकी पूरी इमेजेस हमें इस वेब पोर्टल के ऊपर मिलेंगी। सो अभी जो है ये फर्स्ट टाइम नहीं किया गया, अभी इसका 3.0 वर्जन है, मतलब तीसरा वर्जन है। इससे पहले भी भुवन 1.2 था। सो भुवन पंचायत 3.0 वाज लॉन्च्ड ड्यूरिंग द, इसको लॉन्च किया गया एक नेशनल वर्कशॉप हुई थी ऑन स्पेस बेस्ड इंफॉर्मेशन सपोर्ट फॉर डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग 2। तो स्पेस बेस्ड इंफॉर्मेशन सपोर्ट फॉर डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग 2 एक नेशनल वर्कशॉप हुई थी, वहां पे भुवन पंचायत 3.0 को लॉन्च किया गया। सो लॉन्च इज पार्ट, तो ये जो लॉन्च किया गया है ना, सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट इसमें याद रखना है कि भाई सबसे पहले एक नेशनल वर्कशॉप हुई थी, वहां पे क्या किया गया, भुवन पंचायत 3.0 वेब पोर्टल को लॉन्च किया गया। और ये जो लॉन्च किया गया ये एक ओवरऑल एक और जो है प्रोजेक्ट उसका पार्ट है। द लॉन्च इज पार्ट ऑफ द एडवांस्ड स्पेस बेस्ड इंफॉर्मेशन सपोर्ट फॉर डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग प्रोजेक्ट। तो एक जो प्रोजेक्ट है सिस डीपी जो है स्पेस बेस्ड इंफॉर्मेशन सपोर्ट फॉर डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग प्रोजेक्ट, तो ये प्रोजेक्ट जो है इसको लॉन्च किया गया था 2011 में। उसके बाद जितने भी इसके अंदर डेटाबेसेस वगैरह हैं उसका काम जो है 2017 तक कंप्लीट हुआ था। अभी इसी प्रोजेक्ट के अंदर भुवन पंचायत 3.0 को लॉन्च किया गया है। इसके की पॉइंट्स पढ़े तो द पोर्टल यूजेस हाई रेजोल्यूशन डेटा फ्रॉम रीसेंट अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स and offers detailed information to पंचायत about their key assets। तो ये जो पोर्टल जो है यहाँ पे क्या होगा, हाई रेजोल्यूशन डेटा ये यूज करेगा फ्रॉम वेरियस अर्थ, जो अभी रिसेंटली अर्थ ऑब्जर्वेशन जो सैटेलाइट्स है वहां से डेटा लेगा और पंचायत जो है उनके हर एक विलेज की पंचायत को डेटा देगा। उनको पूरा जो है लोकेट कर पाएंगे कि कहाँ पे उनका कौन सा एसेट जो है वो लोकेटेड है। सो फॉर द फर्स्ट टाइम द थीमेटिक मैप्स ऑफ 1:10,000 scale have been generated based on high resolution data given by ISRO, Indian Space Research Organization's New Earth ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। तो इसरो की जो न्यू अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है उसको यूज किया गया यहाँ पे डेटा कलेक्शन के लिए। और इम्पोर्टेंट सबसे ज्यादा क्या है, इट इज ज्वाइंटली इम्प्लीमेंटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज एंड डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस इसरो। तो ये जो पूरा प्रोजेक्ट है ना 2011 का 2017 तक इसका डेटा बेसिस का काम खत्म हुआ, तो ये एक ज्वाइंट प्रोजेक्ट है मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत एंड डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस इसरो का, ये ज्वाइंट प्रोजेक्ट है। ये इंपॉर्टेंट है, लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर देखें एडवांटेजेस क्या है इसके, जो लॉन्च किया गया है भुवन पंचायत का जो पोर्टल है वहां पे पूरा डेटा मिलेगा, तो उसके क्या क्या एडवांटेजेस होंगे। इससे एडवांटेजेस होगा कि अब देखिए जितना भी हमारे पास, अगर हमने कोई प्लानिंग करनी है कि हमने अपने जैसे गांव में क्या करना है कहाँ पे सब कुछ है, तो उसके लिए हमारे पास डेटा अवेलेबल जो है होना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो एडवांटेजेस इसके होंगे डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग में, भुवन पंचायत इज फैसिलिटेटिंग डिसेंट्रलाइज प्लानिंग एट ग्रास रूट्स लेवल। एग्जाम्पल जो है इसका जैसे कि इट इज पॉसिबल फॉर रूरल प्लानर्स टू प्लान एंड लोकेट हेल्थ केयर यूनिट, वाटर हार्वेस्टिंग, रूरल कम्युनिकेशन नेटवर्क इवन एज दे सिट इन पंचायत ऑफिस। अब देखिए अगर पूरा डेटा एक गांव है वहां पे कुछ भी हमने बनाना है कुछ भी करना है, तो उस गांव की हमें गांव में घूम घूम के देखना नहीं पड़ेगा कि कहाँ पे क्या लोकेटेड है क्या है, उसकी जरूरत ही नहीं है। पंचायत ऑफिस में बैठ के वेब पोर्टल को एक्सेस करके वहां पे पूरा पता चल जाएगा कि गाँव में कहाँ पे हेल्थ केयर यूनिट है, कहाँ वाटर सिस्टम है, वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है, तो अकॉर्डिंगली डिसेंट्रलाइज प्लानिंग हो पाएगी। सो empower the local bodies, तो empower the local bodies in utilizing the space technology। तो यहाँ पे empower किया जाएगा local bodies को, पंचायत को, कि वो use कर पाए space technology in the form of simple to use maps, क्योंकि वहां पे जो है पूरा पता होगा, पूरा जो है मैप्स के थ्रू दिखाया जाएगा कि यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये वाला एसेट जो है लोकेटेड है। सो लोकेशन बेस्ड सर्विसेज दी जाएंगी थ्रू नेविगेशन इन इंडियन कॉन्स्टिलेशन, जो नाविक हमारी है। सो एंड हाई रेजोल्यूशन स्पेस इमेजेस बेस्ड लोकल टूल्स टू इनेबल द पंचायत विद मॉडर्न टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो ये है पूरा भुवन के बारे में। उसके बाद अगर भुवन पोर्टल की बात करें स्पेसिफिकली, तो वहां पे क्या क्या होगा। भुवन जो है एक संस्कृत वर्ड है जिसका मतलब है अर्थ। इट इज अ जियो पोर्टल ऑफ इसरो। तो ये जियो पोर्टल इसरो का है, ये अलाउ करेगा कौन कौन सी सर्विसेज देगा, जैसे कि होस्ट ऑफ सर्विसेज कवरिंग विजुअलाइजेशन, फ्री डेटा डाउनलोड, थीमेटिक मैप डिस्प्ले एंड एनालिसिस, टाइमली इंफॉर्मेशन ऑन डिजास्टर एंड प्रोजेक्ट स्पेसिफिक जीआईएस एप्लीकेशन। तो ये सब कुछ हमें जो है यहाँ पे अवेलेबल होगा। प्रोजेक्ट जो पोर्टल है फर्स्ट टाइम इसको 2009 में लॉन्च किया गया था और अवेलेबल है इंग्लिश, हिंदी, तमिल और तेलुगु में। अभी इसका थर्ड वर्जन है। सो भुवन एज अ प्लेटफॉर्म इज ओपन and can be used by a diverse user community। तो ये एक पोर्टल ऐसा है जिसको सिर्फ ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट यूज कर पाएगी, इसको जो है बाकी भी यूज कर सकते हैं, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट तो करेंगे ही, उसके अलावा जो है अकेडमिया, इंडस्ट्री, कोई भी इसको एक्सेस कर सकता है। इसके कुछ एग्जाम्पल्स जो हैं वहाँ पे जो हमें अवेलेबल होगा भुवन पोर्टल पे, भुवन भूजल, ग्राउंड वाटर प्रोस्पेक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम, एक भुवन एक स्कूल भुवन है जहाँ पे क्या मिलेगा, इंफॉर्मेशन मिलेगी, एंड ई लर्निंग पोर्टल है for the students and this program of Ministry of Environment and Forest and Climate Change। भुवन गंगा है एक, enables people participation in providing vital information for clean Ganga project। उसके बाद है सृष्टि दृष्टि and integrated watershed development program। तो ये है पूरा भुवन के बारे में, प्रोजेक्ट के बारे में, कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया, ये सारा कुछ। उसके बाद नेक्स्ट न्यूज जो है हमारी, सुप्रीम कोर्ट लिफ्ट्स कर्ब ऑन क्रिप्टो करेंसीज। क्रिप्टो करेंसीज ऐसा टॉपिक है जो मतलब 3-4 साल से बहुत ज्यादा चल रहा है। यूपीएससी वाले एस्पिरेंट्स, आप जो है एस्पिरेंट, आपको पता होगा, आपने फर्स्ट टाइम नहीं सुना होगा। क्रिप्टो करेंसीज के बारे में हमने भी डिस्कस किया था जो हमारे प्रीवियस साइंस एंड टेक्नोलॉजी में से नवंबर वाले सीरीज है, वहां पे क्रिप्टो करेंसीज क्या होते हैं, बिटकॉइंस क्या होते हैं, वहां पे मैंने डिटेल में समझाया था, यहाँ पे वो सब डिस्कस नहीं करेंगे। तो अभी जो न्यूज इससे रिलेटेड वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर बैन हटा दिया है। पहले क्या हुआ था कि आरबीआई ने इसके ऊपर बैन लगाया था कि इसको जो है सेंट्रल अथॉरिटीज तो वैसे भी इनको यूज नहीं करते हैं। क्रिप्टो करेंसीज जो है डिजिटल करेंसीज होती हैं जो कि फिजिकल फॉर्म में नहीं होती हैं, तो इसलिए इसके बहुत ज्यादा आरबीआई ने आर्ग्यूमेंट्स दिए थे जब इसको बैन किया था। आर्ग्यूमेंट अगर पढ़े तो जैसे कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का, लैक ऑफ एनी अंडरलाइंग फियट एंड एक्सेसिव वॉलेटिलिटी इन देयर वैल्यू वाज सीन एज एन इमीडिएट थ्रेट टू फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। अब यहाँ पे सिंपल सी बात है, यहाँ पे सेंट्रल अथॉरिटी जो है, सेंट्रल बैंक जो है इन्वॉल्व नहीं है। इसका प्राइस जो है कभी भी एकदम से 20,000 हो सकता है, एकदम से इसका प्राइस जो है 5,000 हो सकता है, 50,000 हो सकता है। तो इसका प्राइस जो है वो स्टेबल नहीं है, इसकी वजह से अगर इसको यूज किया जाएगा तो इनस्टेबिलिटी आएगी फाइनेंशियल सिस्टम में, ये कह के आरबीआई ने इसको बैन किया था। उसके अलावा कहा था कि इट्स अ far reaching potential impact on effectiveness of monetary policy itself was unknown। अब monetary policy आरबीआई देती है जिसके थ्रू क्या किया जाता है कि हमारी जो इकोनॉमी है उसको थोड़ा स्टेबल करने की कोशिश की जाती है। अगर जैसे कि मान लो कि जो है इकोनॉमी में पैसे की कमी है तो थोड़ा जो है इंटरेस्ट रेट जो है थोड़े लूज कर दिए जाते हैं, इस तरह से जैसे कि हमारी मॉनेटरी पॉलिसी को यूज करते हैं इकोनॉमी को थोड़ा स्टेबल करने के लिए। लेकिन यहाँ पे जो है सेंट्रल बैंक इन्वॉल्व नहीं है और इसके जो है पोटेंशियल इम्पैक्ट जो है क्या होंगे वो कुछ पता नहीं है, इसलिए इसको बैन कर दिया गया था। उसके अलावा ये कहा गया था कि इन्वेस्टर प्रोटेक्शन और सिक्योरिटी रिस्क इसके साथ एसोसिएटेड है, क्योंकि मान लो आज किसी ने बिटकॉइन 5,000 का खरीदा और मान लो अगले दिन वो 1 लाख का हो गया तब तो अच्छा है, मान लो किसी ने 1 लाख का खरीदा अगले दिन 5,000 का हो गया तो इन्वेस्टर तो पिट गया बेचारा। तो इसलिए ये सब कुछ देखते हुए आरबीआई ने इसको क्या किया था, इसको बैन कर दिया था। तो इसीलिए अब भी जो है न्यूज इससे रिलेटेड ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने वो बैन को लिफ्ट कर दिया है। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट हैज सेट असाइड एन आरबीआई's April 2018 circular banning regulated financial institutions such as banks and NBFCs from trading in virtual currency, cryptocurrency। तो ये पूरी न्यूज है। क्रिप्टो करेंसी जो है आपको मैंने जैसे कि प्रीवियस हमारा जो सीरीज थे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के वहां पे समझा दिए थे कि क्या होती है, ये एक डिजिटल करेंसी होती है और इसको जो है नॉर्मली जो है इसको सेंट्रल अथॉरिटी, जैसे कि हमारी नॉर्मल जो है फिजिकल करेंसी हम यूज करते हैं नोट्स वगैरह, उसको सेंट्रल अथॉरिटीज जो होती है कंट्री की वो इशू करती है, लेकिन इसको जो है सेंट्रल अथॉरिटी, सेंट्रल बैंक इशू नहीं करती है। इसको जो है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के थ्रू कंप्यूटर्स में क्रिएट किया जाता है और इसकी कोई फिजिकल फॉर्म नहीं है। तो बहुत सारे क्रिप्टो करेंसीज के एग्जाम्पल्स हैं, सबसे मेन एग्जाम्पल तो बिटकॉइन है, इथेरियम है, रिपल है, तो ये सब है। उसके बाद जो है नेक्स्ट हमारी न्यूज है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से बिटकॉइन तैयार किए जाते हैं, लेकिन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की और भी बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी न्यूज में क्यों है, इसके बारे में भी हमने डिस्कस किया कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या होती है. सो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इज अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर व्हिच कैन बी यूज्ड टू ट्रांजैक्ट अक्रॉस नोड्स और पार्टिसिपेंट्स. द ओनरशिप राइट्स आर रिकॉर्डेड इन क्रिप्टोग्राफिकली स्टोर्ड and linked blocks which contain records of ownership of assets among the participants that can remain anonymous. तो यहाँ पे जो भी user काम करता है, जो भी bitcoin mine करता है, कोई भी mine कर सकता है. बड़े-बड़े computers लगा के बहुत ज़्यादा जो है technical problems होती हैं, उनको solve करना होता है. solve करते जाओगे तो bitcoin जो है mine होते जाएंगे. तो इस तरह से bitcoin mining होती है. bitcoins जो है mine भी किए जा सकते हैं और कुछ किसी से जो है purchase भी किए जा सकते हैं. physical form में कुछ नहीं होता है, सब कुछ digital form में होता है. और यहाँ पे जो यूजर्स इन्वॉल्व होते हैं वो एनोनिमस होते हैं, उनका किसी को पता नहीं चलता कि कौन है. तो इस तरह से जो है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी काम करती है. इसकी और भी बहुत सारी जगह पे एप्लीकेशंस हैं. बैंकिंग में इसकी एप्लीकेशन है, हेल्थ केयर में, और भी बहुत सारी ब्लॉकचेन स्पेसिफिकली टेक्नोलॉजी जो है इसकी जो है एप्लीकेशंस अलग अलग है. वो सब कुछ ध्यान में रखते हुए न्यूज ये है कि जो हमारा नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर है उसने क्या किया है, उसने सेटअप किया है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इन बेंगलुरु कर्नाटका. तो ये न्यूज है कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को लॉन्च किया गया है. कहाँ पे सेटअप किया गया है इसको? बेंगलुरु कर्नाटका में किया गया है. It aims to provide blockchain as a service and allowing all stakeholders to benefit from shared learning, experiences and resources. So it will facilitate the government departments in building proof of concepts for the use of blockchain technology in different dimensions of governance, leading to large scale deployment of some such applications. New and previously unforeseen applications of blockchain in government are expected to enhance transparency, traceability and trust in e-governance system. तो ये सारी बातों को ध्यान में रखते हुए एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी हैज बीन सेट अप इन बेंगलुरु कर्नाटका. उसके बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ड्रोन रेगुलेशन. ड्रोन क्या होते हैं आपको पता ही है, ड्रोन क्या होते हैं. सो ड्रोन जो है रेगुलेशन के ऊपर टाइम टू टाइम न्यूज आते रहता है. कोई ना कोई गवर्नमेंट जो है अपने जो है गाइडलाइंस देती रहती है, क्योंकि ड्रोन जो है होते हैं ना कि उसको मिसयूज भी किया जा सकता है, कुछ भी किसी का स्पाइंग के लिए उसको यूज किया जा सकता है, किसी की प्राइवेसी वायलेट हो सकती है. तो बहुत सारी बातों को ध्यान. और एक बात ये भी है कि जो ड्रोन्स है वो हमारे जो है अगर उसको जो है रेस्ट्रिक्टेड एरिया में उड़ाया जाए तो भी दिक्कत है. तो इस तरह से बहुत सारी बातों को ध्यान में रखते हुए टाइम टू टाइम ड्रोन रेगुलेशन से रिलेटेड कुछ ना कुछ गाइडलाइंस आती रहती हैं. अभी क्या है कि मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन अनाउंस्ड अ स्कीम प्रोवाइडिंग अ विंडो अप टू January 31, 2020 फॉर वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन ऑफ ऑल ड्रोन्स एंड देयर ऑपरेटर्स. तो अभी ये न्यूज, क्योंकि हम दिसंबर से मार्च का कवर कर रहे हैं, तो इसमें ये न्यूज था कि जितने भी ड्रोन ऑपरेटर्स हैं उनको क्या करना है कि उनको वॉलंटरली रजिस्टर करना है अपने आप को कि भाई हमारे पास ये ड्रोन है और हम इसके ओनर हैं. सो ऑन सक्सेसफुल सबमिशन ऑफ वॉलंटरी डिस्क्लोजर ऑफ पोजेसिंग अ ड्रोन एक्नॉलेजमेंट नंबर. सो अगर किसी ने जो है ड्रोन ओनर है उसने सबमिट कर दिया अपना वॉलंटरली, अपनी रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया है, तो उसको एक ड्रोन एक्नॉलेजमेंट नंबर दिया जाएगा, दूसरा एक ओनरशिप एक्नॉलेजमेंट नंबर दिया जाएगा. उसको ऑनलाइन वो इशू कर दिया जाएगा विच विल हेल्प इन वैलिडेशन ऑफ ऑपरेशन ऑफ ड्रोन्स इन इंडिया. उसके बाद जो ड्रोन ऑपरेटर है उसको यूज कर सकता है. उसके बाद ये कहा जा रहा है कि जो दोनों नंबर जो उसको दिए जाएंगे, इसका कोई मतलब ये नहीं है कि उसको राइट टू ऑपरेट मिल जाएगा ड्रोन इन इंडिया इफ इट डज नॉट फुलफिल DGCA ड्रोन रेगुलेशन. इससे पहले भी डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने कुछ ड्रोन रेगुलेशन दिए हैं, उनको पहले सबको जो है फुलफिल करना है, तो ही जो है पहले वो फुलफिल करेंगे और फिर उसके बाद वॉलंटरली खुद को रजिस्टर करेंगे, फिर उनको कुछ नंबर दिए जाएंगे, उसके बाद ही वो उसको ऑपरेट कर पाएंगे. सो फर्दर ओनरशिप ऑफ ड्रोन्स इन इंडिया विदाउट अ वैलिड डैन और ऑन शेल इनवाइट पीनल एक्शन एज पर एप्लीकेबल लॉस. तो किसी ने भी ड्रोन उड़ाना है तो उनके पास ये दो नंबर होने जरूरी है, अगर होंगे तो ही वो कर पाएंगे. अगर इसके बिना वो उड़ाते हैं तो पीनल प्रोविजन उनके अगेंस्ट जो है एक्शन लिए जा सकते हैं. उसके बाद नेक्स्ट है एम्पावर्ड टेक्नोलॉजी ग्रुप. एम्पावर्ड टेक्नोलॉजी ग्रुप सेटअप किया है गवर्नमेंट ने, हेडेड बाय प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर. तो ये है कि इट इज अ 12 मेंबर ग्रुप इंक्लूडिंग द चेयरमैन ऑफ एटॉमिक एनर्जी कमीशन, स्पेस कमीशन एंड DRDO and its secretaries and secretaries of IT, telecommunications and science and technology ministry. So बहुत सारे ministry से एक्सपर्ट्स को उठाया गया है और इसमें जो है बिठाया गया है Empower Technology Group में। So, इसका काम क्या होगा? It is mandated to render timely policy advice on latest technologies। तो जितनी भी latest technologies आ रही है उनके ऊपर timely जो है policy advice देनी है कि जैसे कि मान लो हर एक फील्ड में रोज नई टेक्नोलॉजी आती है तो उसको जो है जब पॉलिसी मेकर्स होते हैं उनको पॉलिसी बनानी है। मान लो कि एग्रीकल्चर फील्ड में एक पॉलिसी बनानी है वाटर हार्वेस्टिंग से रिलेटेड, तो वाटर हार्वेस्टिंग से रिलेटेड हमें पॉलिसी बनानी है। तो अगर हमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज का पता होगा कि भाई वाटर को कैसे हम हार्वेस्ट कर सकते हैं कि इन एन एफिशिएंट वे, तो वो ज्यादा एडवांटेज होगा। तो बस वही है कि एम्पावर्ड ग्रुप का काम होगा कि कितनी भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज चल रही है उनके ऊपर एडवाइस दे ताकि पॉलिसीज अच्छे से बन सके। उसके अलावा जैसे मैपिंग ऑफ टेक्नोलॉजी एंड टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स, commercialization of dual use technologies, developing an indigenization roadmap for selected key technologies, facilitate cross sector collaboration and selection of appropriate research and development programs leading to technology development। तो ये है पूरा। उसके बाद ग्रुप सीक्स टू एड्रेस प्रॉब्लम्स, तो ये कौन कौन सी प्रॉब्लम्स को एड्रेस करेगा ये ग्रुप, जैसे कि इसको आप खुद पढ़ लेना, यहाँ पे कुछ समझाने लायक नहीं है, वीडियो को पॉज करके ना खुद पढ़ लेना, क्योंकि क्या होता है कि ना जो जहाँ पे समझाने लायक नहीं है अगर मैं बोलूंगी तो आपको भी फिर दोबारा से तो उसको पढ़ना ही पड़ेगा, तो आप एक बार खुद पढ़ लेना कि क्या है। जैसे कि सिलोसेंट्रिक अप्रोचेस टू डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, तो यही है, कुछ खास नहीं है इसमें। उसके बाद जो है नेक्स्ट टॉपिक हमारा इन फ्लाइट वाईफाई के बारे में है। वाईफाई के बारे में आप सबको पता होगा कि वाईफाई क्या होता है, इंटरनेट कनेक्शन से एक वाईफाई जो हम कनेक्ट कर सकते हैं। तो इन फ्लाइट वाईफाई न्यूज में इसलिए था कि गवर्नमेंट जो है हमारी यूनियन गवर्नमेंट रिसेंटली उन्होंने इश्यू किया एक नोटिफिकेशन टू अनाउंस दैट ऑल एयरलाइंस ऑपरेटिंग इन इंडिया, कि जितने भी हमारे इंडिया में एयरलाइंस ऑपरेट कर रहे हैं सबके सब अब क्या कर सकते हैं, इन फ्लाइट वाईफाई सर्विसेज अपने पैसेंजर्स को वो दे सकते हैं। सो सिविल एविएशन मिनिस्ट्री स्पेसिफाइड दैट अवेलेबिलिटी ऑफ वाईफाई ड्यूरिंग फ्लाइट्स विल बी ब्रॉडली सब्जेक्टेड टू टू कंडीशन। तो जितनी भी इंडिया में एयरलाइंस ऑपरेट कर रही है वो सबके सब जो है अपने पैसेंजर्स को इन फ्लाइट वाईफाई सर्विसेज दे सकते हैं, लेकिन दो कंडीशन जो है वो ध्यान में रखने पड़ेंगे। पहली कंडीशन ये है कि जो मेन कैप्टन होगा ना, जैसे प्लेन का जो एरोप्लेन उड़ाता है उसका जो मेन कैप्टन होगा सिर्फ उसी के पास अथॉरिटी होगी टू स्विच ऑन और स्विच ऑफ द वाईफाई इन फ्लाइट। तो उसी के पास अथॉरिटी होगी कि स्विच ऑन कब करना है वाईफाई, कब इसको ऑफ करना है। एंड द कैप्टन विल बी रिक्वायर्ड टू फॉलो सर्टेन गाइडलाइंस, तो कैप्टन को भी कुछ गाइडलाइंस जो है वो मानने पड़ेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल, वाईफाई वुड बी स्विच्ड ऑन ओनली व्हेन, वाईफाई को सिर्फ तब स्विच ऑन किया जाएगा जब प्लेन जो होगा वो क्रूजिंग स्पीड पे होगा, जब वो टेक ऑफ और लैंड करेगा तब वाईफाई की स्विच को ऑन नहीं करना है। सो दूसरी कंडीशन ये है कि जितने भी प्लेन्स है वो ऑफर करते हैं, जितने भी प्लेन ऑफर करेंगे इन फ्लाइट वाईफाई उनको क्या करना पड़ेगा, दे हैव टू बी सर्टिफाइड बाय डीजीसीए। डीजीसीए है डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, फॉर दिस पर्पस बिफोर फ्लायर्स इन इट कैन एंजॉय कनेक्टिविटी। तो सबसे पहले उनको जो है एक सर्टिफिकेशन डीजीसीए से लेना पड़ेगा, ये सब जो है इन फ्लाइट फैसिलिटी जो है वाईफाई की देने से पहले। उसके बाद जो है अगर हम बात करें कि वाईफाई काम कैसे करता है, इन फ्लाइट वाईफाई कैसे काम करेगा, देयर आर टू ऑपरेटिंग सिस्टम्स फॉर एयरप्लेन वाईफाई। इसमें क्या है, एयर टू ग्राउंड वाईफाई सिस्टम होता है, जैसे कि इट वर्क्स इन अ सिमिलर वे टू अ सेलफोन। एयरप्लेन जो होगा उसके जो है एंटीना लगा होगा नीचे अंडरनीथ द बॉडी, तो उससे उसको जो है विच लिंक्स अप विद द सेल टावर जो होते हैं ग्राउंड पे, उसके साथ कनेक्शन जो है उसके साथ लिंक करेगा, वहां से कनेक्शन आएगा। तो एज एयरक्राफ्ट ट्रेवल्स इट सिंपली कनेक्ट्स टू द नियरेस्ट, तो जैसे जैसे एयरप्लेन आगे आगे बढ़ता जाएगा वो जो उसके आसपास के ट्रांसमीटर टावर्स हैं उनके साथ कनेक्ट होता जाएगा, फ्लाइट में जो लोग बैठे हैं वो इंटरनेट एक्सेस कर पाएंगे। और दूसरा जो है सैटेलाइट बेस्ड होता है, इसमें क्या होता है कि जैसे जैसे एयरप्लेन आगे आगे जाएगा जो जो नियर बाई सैटेलाइट है वहां से वो कनेक्शन लेता रहेगा। सो उसके बाद जो है वाईफाई तो आपको पता ही है कि क्या होता है, तो इसके बारे में हॉटस्पॉट है वाईफाई, आप पढ़ लेना। उसके बाद है वाईफाई कॉलिंग सर्विस। वाईफाई कॉलिंग सर्विस क्या है, द वाईफाई कॉलिंग सर्विस यूजेस अ हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन ऑफर्ड बाय ब्रॉडबैंड नेटवर्क to allow users make and receive HD voice calls. It works similar to WhatsApp calls, similar to the voice Similar to the voice calling apps, Wi-Fi calling allows users to make phone calls, but it does not require them to install an application for it. तो इसके लिए कोई जैसे WhatsApp तो एक एप्लीकेशन है, उसको इंस्टॉल करने की जरूरत पड़ती है यूज के लिए, लेकिन इसके लिए कोई एप्लीकेशन जो है वो इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है. The service also does not charge the user. ये important है कि service does not charge the user and consumes a very minimal data. तो ये है Wi-Fi calling service. उसके बाद voice over Wi-Fi. तो voice over Wi-Fi क्या है? Following the introduction in Delhi NCR से Delhi NCR तो भारतीय एयरटेल का ये है. भारतीय एयरटेल ने क्या किया? Commercially roll out कर दिया है voice over Wi-Fi service Airtel Wi-Fi calling. कहाँ पे किया है? जैसे मुंबई, कोलकाता, बड़े जो हमारे मेगा सिटीज है वहां पे लॉन्च किया है. उसके बाद है, इसकी बात करेंगे वॉइस ओवर वाईफाई टेक्नोलॉजी है क्या? इट अलाउज यूजर्स टू मेक आउटगोइंग कॉल्स टू एनी मोबाइल फोन नंबर एंड लैंडलाइन बाय कनेक्टिंग टू अ पब्लिक वाईफाई हॉटस्पॉट और एनी प्राइवेट होम वाईफाई नेटवर्क. द सर्विस इनेबल्स नो कॉस्ट कॉलिंग अक्रॉस ऑपरेटर्स and minimal data usage using a handset which supports the technology. तो ये है voice over Wi-Fi technology जो भारतीय एयरटेल ने commercially roll out कर दी है. उसके बाद न्यू एंड इमर्जिंग स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजीज. तो ये क्या है? अभी क्या हुआ है कि जैसे विद द इंडिया ग्रैपलिंग विद इश्यूज लाइक सिक्योरिटी इम्प्लीकेशंस ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ 5G एंड आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी, इंडियन फॉरेन मिनिस्ट्री ने किया है, जो हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री है, फॉरेन मिनिस्ट्री ने एक डिवीजन, जैसे कि हर एक मिनिस्ट्री के अंदर 3-4 डिवीजन होते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, तो यहाँ पे एक न्यू डिपार्टमेंट जो है अनाउंस किया है, इन्होंने सेटअप किया है न्यू एंड इमर्जिंग स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजीज. तो जो हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री है उसके अंडर नेस्ट जो है एक डिपार्टमेंट है न्यू एंड इमर्जिंग स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजीज. तो ये क्या है? एक न्यू जो है डिपार्टमेंट है इन मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स. तो इसके बाद जो है डिवीजन का काम क्या रहेगा? डिवीजन विल एक्ट एज नोडल पॉइंट इन इंडियाज फॉरेन मिनिस्ट्री फॉर ऑल मैटर्स कनेक्टेड टू न्यू एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज इंक्लूडिंग एक्सचेंज ऑफ व्यूज विद फॉरेन गवर्नमेंट्स एंड कोऑर्डिनेशन विद डोमेस्टिक मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स. इट विल ऑल्सो हेल्प असेस फॉरेन पॉलिसी and international legal implications of emerging technology and technology-based resources. अब सिंपल सी बात है, जैसे कि हम फॉरेन गवर्नमेंट्स के साथ जो है डील करते हैं, बहुत सारे टेक्नोलॉजिकल फील्ड में भी हमारी डील्स होती हैं, तो इसीलिए फॉरेन अफेयर्स मिनिस्ट्री जो हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री है उसमें जो है अलग से डिवीजन रखी गई है कि जैसे मान लो इंडिया एंड फ्रांस है, किसी टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रहे हैं, कोई जो है टेक्नोलॉजी के ऊपर ज्वाइंट उनका कोलैबोरेशन हो रहा है, तो अगर तो उसमें क्या होगा कि हम सिंपली साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री को इन्वॉल्व नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनका जो है काम फॉरेन गवर्नमेंट्स के साथ डील करना नहीं है. तो मिनिस्ट्री जो हमारी फॉरेन अफेयर्स मिनिस्ट्री है, इनका काम है फॉरेन के जो गवर्नमेंट्स है उनके साथ डील करना, इसीलिए अलग से एक डिवीजन इसी के अंदर शुरू कर दी गई है कि अगर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कुछ होगा तो ये वाला जो डिपार्टमेंट है फॉरेन गवर्नमेंट के साथ जो है डील करेगा. सो द डेस्क विल ऑल्सो बी इन्वॉल्व इन नेगोशिएशंस टू सेफगार्ड इंडियन इंटरेस्ट at multilateral fora like United Nations or G20, where rules governing the use and access to such technologies could be decided. उसके बाद नेक्स्ट है हमारा डार्क नेट के बारे में. डार्क नेट जो है काफी न्यूज में रहा है, 2-3 वैसे तो बहुत साल से न्यूज में है, लेकिन आजकल बहुत ज्यादा चल रहा है क्योंकि डार्क नेट को जो है मिसयूज बहुत ज्यादा किया जाता है. इसमें 2 टर्म्स है, एक तो द डार्क नेट जिसको जो है डार्क वेब भी बोल दिया जाता है, एक होता है डीप वेब. डार्क नेट को डार्क वेब भी बोल दिया जाता है और डीप वेब जो है वो दोनों अलग अलग है. अगर दोनों में डिफरेंस देखें तो क्या होता है, एक होता है डार्क नेट और डीप वेब एक ही बात है, और एक होता है डीप वेब और एक जो होता है हमारा सिंपल सरफेस वेब. तो तीनों में डिफरेंस क्या है पहले ये पता होना चाहिए. अगर हम बात करें जो है हमारा जो है सिंपल हमारा डीप वेब होता है कि जैसे कि हम गूगल पे जाते हैं, कुछ भी हम जो है टाइप करते हैं हमें वो मिल जाता है, तो वो क्या होता है सरफेस वेब होता है जो कि छुपा हुआ नहीं है, हम इजीली उसको एक्सेस कर सकते हैं. जिस चीज को इंटरनेट पे हम इजीली एक्सेस कर पाए, जिसपे कोई पासवर्ड कुछ नहीं लगा, खुला है पूरा, वो होता है सरफेस वेब. और फिर उसके बाद आती है डीप वेब की. डीप वेब क्या होता है? डीप वेब, जैसे कि अब मान लो कि जैसे कि हमारा किसी बैंक में अकाउंट है तो उसको हम जो है गूगल पे तो सर्च कर नहीं सकते, उसको हम स्पेशली बैंक की जो साइट है उसको खोलेंगे, साइट के ऊपर हम अपना पासवर्ड वगैरह डालेंगे, फिर ही हम उसको एक्सेस कर पाएंगे। तो वो होती है डीप वेब। डीप वेब को प्रोटेक्ट किया जाता है थ्रू पासवर्ड्स, जिसको इजीली जो है जिसको इजीली एक्सेसिबल तो है, लेकिन एक्सेस सिर्फ वही करेंगे जिनके पास अथॉरिटी है, हर कोई नहीं कर पाएगा। और तीसरा कॉन्सेप्ट आता है डार्क नेट, जो कि डार्क वेब भी है। तो इसमें क्या होता है कि बहुत ज्यादा छुप छुपा के काम होते हैं, जो इसमें यूजर है वो भी एनोनिमस है, जो इसमें साइट जो एक्सेस कर रहा है यूजर, वो साइट के ओनर्स जो है वो भी एनोनिमस है। इसमें होता क्या है कि जैसे कि हमारा नॉर्मल ब्राउजर है, हम क्रोम वगैरह यूज करते हैं, तो इसमें क्रोम से ये सब नहीं होता है। डार्क नेट के लिए अगर हमने डार्क नेट यूज करना है तो अलग से एक ब्राउजर होता है, टॉर होता है, द अनियन रिंग। तो टॉर ब्राउजर जो होता है, टॉर ब्राउजर है, टॉर की फुल फॉर्म है द अनियन रिंग। तो जैसे अनियन में बहुत सारे लेयर्स होते हैं, तो इसमें भी बहुत ज्यादा लेयर्स होते हैं जो कि इजीली एक्सेसिबल नहीं होते हैं। तो डार्क नेट में होता क्या है, डार्क नेट को यूज तो कोई भी कर सकता है ज्यादातर, लेकिन इसको आजकल मिसयूज किया जा रहा है क्योंकि यहाँ पे एनोनिमिटी होती है, पता नहीं होता है कि कोई इसको आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा है। तो इजीली जो है यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो डार्क नेट को यूज करते हैं गलत काम करने के लिए, मिसयूज करते हैं इसको। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि डार्क नेट जो वो इलीगल है, डिपेंड करता है कि आप कौन सी कंट्री में रह रहे हो। जैसे कि इंडिया में डार्क नेट जो है जो ज्यादा इलीगल नहीं है, कोई भी इसको एक्सेस तो कर सकता है अगर कोई ठीक काम के लिए करना चाहता है। लेकिन जैसे चाइना है, वहां पे गवर्नमेंट की जैसे ज्यादा मर्जी चलती है, गवर्नमेंट की मर्जी के बिना कोई भी इंटरनेट एक्सेस नहीं कर सकता है, तो आप वहां पे डार्क नेट को यूज नहीं कर सकते हो क्योंकि वहां पे ये इलीगल है। तो कंट्री टू कंट्री ये डिपेंड करता है। तो डार्क नेट को कुछ लोग इसलिए यूज करते हैं क्योंकि उनको जो है जैसे डार्क नेट के ऊपर आपको बहुत ज्यादा रिसर्च पेपर्स मिल जाएंगे, तो आप उसको एक्सेस कर सकते हो, पढ़ सकते हो, वो एक सही काम है। अगर आप जो है बहुत ज्यादा प्राइवेसी चाहते हो ना, कि अगर आप कुछ सर्च कर रहे हो किसी को भी पता ना चले, इंटरनेट पे कोई आपको पता ही ना कर पाए। जैसे हम गूगल में करते हैं तो उसकी तो इजीली जो है कोई भी पता कर सकता है, गवर्नमेंट पता कर सकती है कि हाँ भाई इसने क्या सर्च किया है, उसका डेटा जो है खुलेआम होता है, तो उसको एक्सेस किया जा सकता है। लेकिन जो डार्क नेट पे अगर आप सर्च करते हो ना, वहां पे आपको पूरी एनोनिमिटी मिलेगी, पूरी प्राइवेसी मिलेगी, कोई नहीं पता कर पाएगा कि आपने क्या सर्च किया, आपने क्या देखा। तो इस तरह से डार्क नेट को बहुत सारे लोग सही तरीके में भी यूज करते हैं, लेकिन इसको ज्यादा जो है गलत तरीके में यूज किया जा रहा है, इसीलिए ये जो है न्यूज में है। कि जैसे कि अभी न्यूज ये थी कि जो हमारा नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है, उसने कहा है कि इट हैज अरेस्टेड द कंट्रीज डार्क नेट नारकोटिक ऑपरेटिव। तो यहाँ पे कंट्री में जो डार्क नेट यूज करने वाला एक नारकोटिक ऑपरेटिव है, उसको पकड़ा है। वो क्या कर रहा था कि शिप कर रहा था हंड्रेड्स ऑफ साइकोट्रॉपिक ड्रग पार्सल्स अब्रॉड इन द गार्ड ऑफ सेक्स स्टिमुलेशन मेडिसिन। तो कुछ और दिखा के किसी और के पैकेट में कुछ और बेच रहा था। तो इस तरह से वो डार्क नेट के थ्रू अपनी पूरी डील कर रहा था ताकि वो पकड़ा ना जाए, लेकिन फिर भी वो पकड़ा गया है, उसको अरेस्ट कर लिया गया है। ऐसा है कि डार्क नेट में क्या है कि ऐसा नहीं है कि इसको गवर्नमेंट अथॉरिटीज, जैसे कि अब हैकर्स वगैरह होते हैं वो तो हैक कर लेते हैं, तो एथिकल हैकर्स होते हैं जो कि सही काम के लिए हैकिंग करते हैं। तो डार्क नेट को जो है इतना आसान नहीं है, हैक करना भी इतना आसान नहीं है, लेकिन ये लोग जो है वो पकड़े गए, इसीलिए ये न्यूज में था। तो मैंने आपको बता दिया है कि डार्क नेट क्या होता है, डीप वेब क्या होता है, सरफेस वेब क्या होता है, बस यही डिफरेंस है। जो हमारा डार्क नेट है यहाँ पे गलत काम के लिए लोग इसको ज्यादा यूज करते हैं। तो आम लोग जो है हम जैसे लोग हैं, हमको तो कुछ ज्यादा बहुत ही प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं होती क्योंकि हम ऐसा कुछ सर्च भी नहीं करते इंटरनेट पे कि हमको बहुत प्रोटेक्शन चाहिए। तो हम जैसे लोग तो डार्क नेट नहीं यूज करते, लेकिन जो थोड़े बड़े लोग होते हैं जो किसी अथॉरिटी में होते हैं वो डार्क नेट यूज कर सकते हैं सही काम के लिए, कि उनका पता ना चले कि वो क्या काम कर रहे हैं। बस यही है पूरा डार्क नेट का कॉन्सेप्ट। और न्यूज यही थी कि भाई जो हमारे नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो है उन्होंने पकड़ा है हमारे डार्क नेट नारकोटिक जो ऑपरेटिव है। तो ये होता है पूरा। तो इसको जो डार्क नेट को जो जैसे कि मैंने बताया डार्क नेट को एक्सेस करना है तो टॉर ब्राउजर के थ्रू होता है द अनियन रिंग। उसके बाद जो है सिंपल अनियन रिंग जो ये वाला जो ब्राउजर है ये होता क्या है, Tor browser was developed in mid-1990s by United States Naval Research Laboratory employees to protect। इसको इसीलिए बनाया गया था, वहां पे USA ने जब mid-90s में इसको बनाया था उसका मेन काम था टू प्रोटेक्ट यूएस इंटेलिजेंस कम्युनिकेशन ऑनलाइन। अब देखिए जो है कंट्रीज जो है आपस में कम्युनिकेशन करती है कि बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन होती है हर किसी की, जैसे इंटेलिजेंस से रिलेटेड तो वैसे ही कॉन्फिडेंशियल होती है, वो नहीं चाहते कि कोई भी उसको एक्सेस करे, इसीलिए टॉर ब्राउजर को बनाया गया था, सही काम के लिए ही बनाया गया था कि किसी को ना पता चले कि क्या हो रहा है। यूएसए ने बनाया था लेकिन अब इसको गलत काम के लिए यूज किया जा रहा है तो दिक्कत है। सो इट इज टर्म्ड सो एज अ ट्रैफिक फ्रॉम द ब्राउजर क्रिएट्स सेवरल लेयर्स। यहाँ पे ये होता है कि यहाँ पे लेयर्स बहुत ज्यादा क्रिएट कर दिए जाते हैं जिसकी वजह से कौन जो यूजर है, एग्जैक्ट यूजर कौन है वो पता ही नहीं लगाया जा सकता। सो लाइक डोज ऑफ अनियन बिफोर रीचिंग द डेस्टिनेशन साइट। अब एक सिंपल साइट है, एक यूजर है, एक सिंपल सी साइट को वो एक्सेस कर रहा है, यहाँ पे कोई लेयर नहीं है तो इजीली पता चल जाएगा किसने क्या एक्सेस किया। लेकिन अनियन में जो टॉर ब्राउजर उसमें बहुत सारी लेयर्स होती है, पता ही नहीं चलता है कि कहाँ से क्या शुरू हुआ कहाँ के पे खत्म हुआ। सो डार्कनेट जो है जनरली मे बी यूज फॉर वेरियस रीजन, जैसे कि कंप्यूटर क्राइम के लिए उसको यूज किया जाता है, फाइल शेयरिंग के लिए यूज किया जाता है। टू बेटर जो इम्पोर्टेंट जो सही तरीके से है वो यही है कि टू बेटर प्रोटेक्ट द प्राइवेसी राइट्स ऑफ सिटीजंस फ्रॉम टारगेटेड एंड मास सर्विलेंस, ताकि उनके ऊपर सर्विलेंस ना हो तो इसलिए उसको यूज किया जाता है। बाकी जो इसके गलत यूज ही ज्यादा होते हैं जैसे कि सेल ऑफ रेस्ट्रिक्टेड गुड्स ऑन डार्क नेट मार्केट्स, विसल ब्लोइंग एंड न्यू लीक्स, परचेज और सेल ऑफ इलिसिट और इलीगल गुड्स और सर्विसेज, circumventing network censorship and content filtering systems और bypassing restrictive firewall policies। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा नेशनल मिशन ऑन क्वांटम टेक्नोलॉजीज एंड एप्लीकेशंस। अगर आपने साइंस एंड टेक्नोलॉजी के पिछले सीरीज देखे हैं तो मैंने वहां पे क्वांटम टेक्नोलॉजी क्या होती है उसको बहुत डिटेल में समझाया था, तो अब जो है इसको नहीं अब दोबारा डिस्कस करेंगे क्योंकि जो चीजें पढ़ चुके हैं मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि आपने रिविजन कर ली है, इसलिए बार बार जो है वही चीजों को रिपीट करने का मतलब नहीं बनता। सो क्वांटम टेक्नोलॉजी में बस होता यही है कि जो क्वांटम टेक्नोलॉजी के थ्रू जो कंप्यूटर्स बनते हैं, जैसे क्वांटम कंप्यूटर होता है, एक गूगल ने क्वांटम कंप्यूटर बनाया था जिसका नाम साइकामोर था। इसने क्या किया, इसने सिर्फ 200 सेकंड में ऐसी कैलकुलेशंस को सॉल्व कर दिया जो कि वर्ल्ड के जो फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर्स हैं उनको 10,000 साल लग जाते। अब सोचिए कि क्वांटम टेक्नोलॉजी कितनी फास्ट है, मतलब फास्ट से भी फास्ट कहीं फास्ट है। जो सुपर कंप्यूटर 10,000 साल में ना कर पाते, 10,000 साल से भी ज्यादा टाइम लेते, उसको गूगल के क्वांटम कंप्यूटर ने सिर्फ 200 सेकंड में सॉल्व कर दिया। तो ये एक बहुत ही एडवांस लेवल की टेक्नोलॉजी है। उसमें क्या होता है कि जो है इतनी एडवांस लेवल की ये टेक्नोलॉजी है और इसीलिए ये सब बातों को ध्यान में रखते हुए कि हमें भी इंडिया में क्वांटम टेक्नोलॉजी को यूज करना चाहिए। अभी तक इंडिया ने कोई क्वांटम टेक्नोलॉजी का क्वांटम कंप्यूटर कोई नहीं बनाया। सुपर कंप्यूटर्स हमने बनाए हैं लेकिन क्वांटम कंप्यूटर नहीं बनाए हैं। सो गवर्नमेंट ने क्या किया, 2020 का जो बजट था वहां पे अनाउंस किया दैट लार्जेस्ट एवर साइंस मिशन नेशनल मिशन ऑन क्वांटम टेक्नोलॉजीज एंड एप्लीकेशन। तो ये इंडिया का मिशन है जहाँ पे पूरा जो है रिसर्च वगैरह की जाएगी। पूरा मिशन है क्वांटम टेक्नोलॉजीज के ऊपर कि किस तरह से हम आने वाले टाइम में क्वांटम टेक्नोलॉजीज को यूज कर सकते हैं, क्योंकि क्या होता है कि एक बार एक टेक्नोलॉजी डेवलप होती है एक स्पेसिफिक पर्पज के लिए, लेकिन आने वाले टाइम में फिर उसकी एप्लीकेशन का पता चलता है कि हम और किस फील्ड में इसको यूज कर सकते हैं। तो ये है पूरा इसके बारे में। क्वांटम टेक्नोलॉजी के बारे में पहले ही समझाया हुआ है सारा कुछ। तो अगर मिशन की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे मिशन में क्या क्या होगा वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। मिनिस्ट्री इसकी जो है कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर ये प्रोजेक्ट जो है इम्प्लीमेंट किया जाएगा, इट विल बी इम्प्लीमेंटेड बाय डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। बजट आउटले इसका कितना प्रपोज किया गया है, 8,000 करोड़ फॉर पीरियड ऑफ 5 ईयर्स। एरियाज ऑफ फोकस, तो यहाँ पे किस किस एरिया में फोकस किया जाएगा, विल बी इन फंडामेंटल साइंस, ट्रांसलेशन, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, ह्यूमन एंड इंफ्रास्ट्रक्चरल रिसोर्स जनरेशन, इनोवेशन एंड स्टार्टअप्स टू एड्रेस इश्यूज कंसर्निंग नेशनल प्रायोरिटीज। तो ये है पूरा मिशन। उसके बाद जो है एप्लीकेशन विच विल रिसीव बूस्ट, तो कौन कौन सी कहाँ पे इसका जो है बूस्ट मिलेगा एप्लीकेशन में, जैसे कि एरोस्पेस इंजीनियरिंग, न्यूमेरिकल वेदर प्रेडिक्शन, सिमुलेशन, securing the communications and financial transactions, cyber security, advanced manufacturing, health, एग्रीकल्चर। ये हर एक फील्ड में इसको जो है इसके एप्लीकेशंस हो सकते हैं क्वांटम कंप्यूटिंग, या एक बार आप पढ़ लेना। सो सिग्निफिकेंस इसकी क्या है कि सपोर्ट टू एडवांस्ड एंड इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च प्रोजेक्ट्स इन क्वांटम टेक्नोलॉजी, थ्रू गवर्नमेंट फाइनेंशियल एंड ऑर्गेनाइजेशनल सपोर्ट। तो अच्छा है कि गवर्नमेंट कर रही है, क्योंकि प्राइवेट लोग जो है फिर हमारे यहाँ पे जैसे प्राइवेट रिसर्च पे ज्यादा हमारे इंडिया में ज्यादा नहीं होती है, क्योंकि जहाँ पे बहुत ज्यादा प्रॉफिट होता है प्राइवेट रिसर्च वहां ज्यादा होती है, और इतना ज्यादा पैसा लगा के तो कोई भी इंडस्ट्री इतनी रिसर्च तो करवा नहीं सकती। सो अगर गवर्नमेंट करवा रही है तो बेस्ट है, क्योंकि गवर्नमेंट के पास पैसे भी हैं, लगा भी सकती है। उसके बाद इसे पुश मिलेगा टू नेक्स्ट जनरेशन ट्रांसफॉर्मेटिव टेक्नोलॉजीज पुटिंग इंडिया ऑन इंडियाज क्वांटम वर्ल्ड्स क्वांटम मैप। अभी क्या है कि क्वांटम जो है टेक्नोलॉजीज में बहुत सारी कंट्री सफिशिएंट नहीं है, जैसे यूएसए चाइना सिर्फ 2-3 जो है कंट्रीज आगे लगी हुई है क्वांटम जो है टेक्नोलॉजीज में। अभी जो है वर्ल्ड का क्वांटम मैप है, वहां पे इंडिया का भी प्लेस हो जाएगा अगर इंडिया इसमें रिसर्च करता है। सो उसके बाद ये इसकी एप्लीकेशन है, एक बार आप पढ़ लेना, कुछ खास नहीं है समझाने लायक, बस एक बार पढ़ लेना पॉज करके वीडियो। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा मैपिंग द इंडियन जीनोम। सो इंडियन जीनोम मैपिंग के बारे में भी हमने प्रीवियस सीरीज में पढ़ा था कि जीनोम्स मैपिंग वगैरह होती क्या है, पूरी प्रोसेस क्या होती है। जैसे कि सिंपल सी बात है, एक जो हमारी बॉडी में एक जीनोम होता है वो डिवाइडेड होता है, उसमें क्रोमोसोम्स होते हैं, क्रोमोसोम्स के अंदर जीन्स होते हैं और जीन्स के अंदर हमारा डीएनए होता है। तो पूरे सिस्टम को मैप करेंगे, जितना भी इंडियन जीनोम है उसको पूरा मैप करेंगे। मैप करने से बहुत ज्यादा एडवांटेजेस हो जाते हैं कि अगर हम बॉडी को जैसे मैप करते हैं तो हम पता कर पाते हैं कि आने वाले टाइम में इस इंसान को जैसे क्या कौन सी बीमारी हो सकती है, और भी वगैरह बॉडी में जो है इश्यूज जो है कुछ भी है, तो वो काफी ज्यादा जो है रिसर्च में ये काम आएगा। सो न्यूज ये है कि यूनियन गवर्नमेंट हैज गिवन क्लियरेंस टू एन एम्बिशियस जीन मैपिंग प्रोजेक्ट नोन एज अ जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट। तो ये एक जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट है विद एन एस्टिमेटेड वर्थ ऑफ 238 करोड़। इसको प्रोजेक्ट को क्लियर किसने किया है? बाय डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। उसके अलावा भी इसमें 20 लीडिंग इंस्टीट्यूट जो है इन्वॉल्व होंगे। सेंटर फॉर ब्रेन रिसर्च एंड ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु विल सर्व एज द नोडल पॉइंट ऑफ द प्रोजेक्ट। तो प्रोजेक्ट में जो है प्रोजेक्ट क्लियर किया है डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने, क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड ही है ये प्रोजेक्ट। तो इसमें क्या है कि 20 अदर जो लीडिंग इंस्टीट्यूट्स हैं वो भी जो है अपना उनका भी शेयर होगा, और इसमें जो है सर्व करेगा जो नोडल पॉइंट ऑफ प्रोजेक्ट है, जो मेन पॉइंट ऑफ वो कौन करेगा? सेंटर फॉर ब्रेन रिसर्च। सो इसमें यह है कि जो फर्स्ट स्टेज होगा प्रोजेक्ट की विल लुक एट सैंपल्स ऑफ 10,000 persons फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री टू फॉर्म अ ग्रिड दैट विल इनेबल द डेवलपमेंट ऑफ अ रेफरेंस जीनोम। तो जीनोम टेक्नोलॉजी क्या होती है मैंने बता दिया कि जैसे कि पूरा जीनोम होता है बॉडी में, उसमें जीनोम के अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं, क्रोमोसोम के अंदर जीन्स होते हैं, जीन्स में डीएनए होते हैं। तो इस तरह से पूरे के पूरे जीनोम को जो इंटायर हमारा डीएनए है उसको सीक्वेंस किया जाएगा। Each genome has approximately 3.2 billion DNA base pairs. So sequencing a genome means deciphering the exact order of base pair in an individual. पूरा पता चलेगा कि हमारे बॉडी में जीन्स का क्या डीएनए किस तरह पेयर्स जो भी सब पता चलेगा क्योंकि सीक्वेंस करेंगे। तो the way these base pairs are arranged or variations and mutations in their pattern can provide clues about individuals' health or ill health. इनहेरिटेड और एक्वायर्ड जो भी है इसकी क्या हेल्थ है, कोई भी क्या उसको बीमारी है या इनहेरिटेड है या हो सकती है, वो सब कुछ इससे पता चलेगा। सिग्निफिकेंस इसकी यही है कि दिस प्रोजेक्ट होल्ड्स इंपॉर्टेंस टू इंश्योर दैट इंडिया विद इट्स अनपैरेलल्ड ह्यूमन डाइवर्सिटी बोथ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल is adequately represented in terms of genomic data. The project will help India develop indigenous capacity to generate, maintain, analyze, utilize and communicate large scale genome data in a scalable manner. Application जैसे predictive and preventive care, healthcare में use होगा, precision medicine में, scientific research में। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा इको नेटवर्क। तो इको नेटवर्क क्या है? इको नेटवर्क वाज लॉन्च्ड बाय प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये एक नेशनल लेवल का प्रोग्राम है जिसमें क्या होगा कि दिस प्रोग्राम टू प्रोवाइड अ टेम्पलेट फॉर क्रॉस डिसिप्लिनरी लीडरशिप इन इंडिया with the specific focus of increasing research, knowledge and awareness of Indian ecology and environment. ये एक ऐसा platform establish करेगा जिसमें क्या होगा कि एक पूरा नेटवर्क, जो पूरे नेशनल लेवल पे एक नेटवर्क इस्टेब्लिश किया जाएगा। इस नेटवर्क में जो न्यू जनरेशन ऑफ जो है इंडियंस है उनको लिया जाएगा। इसमें क्या होगा कि जो अलग अलग फील्ड से एक्सपर्ट्स वगैरह है सबको लिया जाएगा, क्योंकि क्रॉस जो है डिसिप्लिनरी लीडरशिप जो है इन्वॉल्व होगी, अलग अलग फील्ड से एक्सपर्ट्स को लिया जाएगा। इट सीक्स टू डेवलप ए नेशनल नेटवर्क to catalyze new generation of Indians who can synthesize interdisciplinary concepts and tackle real world problems in medicine, agriculture, ecology and technology. So इस network के goals क्या है? Create किया जाएगा interdisciplinary scientific leaders through cross sector collaboration, employs solution driven and public guided science to tackle real world problems, encourage science driven policy and practice, establish nationwide ecological and environmental appreciation and awareness. Founding partners include government, industry, academia such as Office of Principal Scientific Advisor, Bill and Melinda Gates Foundation, Hindustan Unilever Limited, Round Glass, India Climate। ये नहीं याद करना आपने, क्योंकि नहीं पूछता यूपीएससी के कौन कौन इन्वॉल्व है। आपको ओवरऑल पता होना चाहिए कि कौन सी मिनिस्ट्री का है, लॉन्च किसने किया है, प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर ने लॉन्च किया है। उसके बाद जो है इसमें जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन्वॉल्व है, इंडस्ट्री, अकेडमिया, बस इतना काफी है। उसके बाद नेक्स्ट है सूत्रा पिक। सूत्रा पिक की फुल फॉर्म है साइंटिफिक यूटिलाइजेशन थ्रू रिसर्च ऑगमेंटेशन प्राइम प्रोडक्ट्स फ्रॉम इंडिजीनियस काउ। तो ये क्या है, गवर्नमेंट ने एक अनवेल किया एक न्यू प्रोग्राम टू रिसर्च, कि रिसर्च किया जाए जो हमारे खुद की इंडिया के जो ब्रीड्स है ना, काउ के ब्रीड्स है, उनके ऊपर रिसर्च किया जाए। टू बी फंडेड बाय मल्टीपल साइंटिफिक मिनिस्ट्रीज। कौन कौन सी? बहुत सारी साइंटिफिक मिनिस्ट्रीज जो है इसको फंड करेंगी। इनिशिएटिव सूत्रा पिक इज लेड बाय डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो ये याद रखना है कि ये प्रोजेक्ट तो साइंस ऑफ टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट का है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, लेकिन इसमें और भी जो है मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व होंगे, जैसे कि इट हैज द डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष अमंग अदर्स एंड द इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च एज पार्टनर। तो ये सारे पार्टनर्स हैं। मेन मिनिस्ट्री आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद जो है सूत्रा पिक हैज 5 थीम्स, जिसके 5 थीम्स है जैसे यूनिकनेस ऑफ इंडिजीनियस काउस, प्राइम प्रोडक्ट्स फ्रॉम इंडिजीनियस काउस फॉर मेडिसिन एंड हेल्थ, प्राइम प्रोडक्ट्स फ्रॉम इंडिजीनियस काउस फॉर एग्रीकल्चर एप्लीकेशंस, प्राइम प्रोडक्ट्स फ्रॉम इंडिजीनियस काउस फॉर फूड एंड न्यूट्रिशन, प्राइम प्रोडक्ट्स फ्रॉम इंडिजीनियस काउस बेस्ड यूटिलिटी आइटम्स। एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स इसके क्या क्या है? सिंपल से ये, मैं अगर हम इंडिजीनियस काउस के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं तो डेफिनेटली क्या करेंगे हम, साइंटिफिक रिसर्च होगी ऑन कंप्लीट कैरेक्टराइजेशन ऑफ मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स डिराइव्ड फ्रॉम इंडियन इंडिजीनियस काउस, scientific research on nutritional and therapeutic properties of the curd and ghee prepared from indigenous breeds of cow by traditional methods, development of standards for traditionally processed dairy products of Indian origin cows etc. उसके बाद है इलेक्ट्रोस्किन। इलेक्ट्रोस्किन क्या है? ये न्यूज में इसलिए थी क्योंकि रिसर्चर्स ने डेवलप किया एक स्ट्रेचेबल पॉकेट साइज्ड रोबोट्स विच कुड crawl up walls and across ceiling to clean them for environmental monitoring and deployment in hazardous environment. तो researchers ने एक stretchable pocket size robots को develop किया है जो कि walls के ऊपर चढ़ के उनको साफ कर सकते हैं, environment monitoring कर सकते हैं और उनको ऐसी जगह पर deploy किया जा सकता है जो कि जहाँ पे हैजार्डस एनवायरनमेंट है। सो इलेक्ट्रोस्किन जो है इट इज अ न्यू फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक फॉर रेंज ऑफ सॉफ्ट नेक्स्ट जनरेशन रोबोट्स। पहले की जो जनरेशन होती है उनकी स्किन हार्ड होती थी, लेकिन अभी जो है सॉफ्ट स्किन, जो इलेक्ट्रोस्किन है ये एक टाइप की सॉफ्ट स्किन है जो कि हमारे नेक्स्ट जनरेशन की जो रोबोट्स है वहां पे यूज की जाएगी। उसके बाद इसके सिंपल से एप्लीकेशन है, बहुत पढ़ लेना। Thin and light जैसे robots have been developed using a new way of embedding artificial muscles and electrical adhesion into soft materials. उसके बाद न्यूज ये है कि बैन लगा दिया गया है आरओ सिस्टम के ऊपर, जो हमारे रिवर्स और ऑस्मोसिस बेस्ड जो हमारे सिस्टम होते हैं, वाटर फिल्टर्स होते हैं, तो आरओ के ऊपर जो है बैन लगाया गया है। जो हमारी यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है उसने इशू किया है एक ड्राफ्ट नोटिफिकेशन दैट सीक्स टू बैन membrane based water purification system primarily जो reverse osmosis है in areas where water supplied meets norms। यहाँ पे होता क्या है कि यहाँ पे क्या होता है कि सिंपली यहाँ पे जो रिवर्स ऑस्मोसिस तो आपको पता ही है कि प्रोसेस है जिसके थ्रू जो है वाटर को फिल्टर किया जाता है, बैक्टीरिया वगैरह साइड पे कर दिए जाते हैं, क्लीन वाटर हमें पीने को मिल जाता है। लेकिन यहाँ पे वाटर का वेस्टेज बहुत ज्यादा होता है। जो हमारा पानी जो है फिल्टर वाटर हम ले लेते हैं, साइड से जो हमारा पानी निकलता जाता है वो यूज नहीं होता है, वो उसको फालतू जो है खराब हो जाता है। इसकी वजह से इस टेक्नोलॉजी के ऊपर बैन लगाने की बात कही है। इसका अगर बैकग्राउंड देखिए तो इससे पहले क्या था कि नेशनल जो ग्रीन ट्राइब्यूनल है इन मे 2019 उसने इंस्ट्रक्ट किया था मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट को टू नोटिफाई प्रोहिबिटिंग द यूज ऑफ ड्रिंकिंग वाटर प्रिपेयर्ड थ्रू आरओ सिस्टम्स इन एरियाज वेयर द अमाउंट ऑफ टोटल डिसॉल्व्ड सॉलिड वाज लेस देन 50 मिलीग्राम। तो जहां पे टोटल जो डिसॉल्व्ड सॉलिड्स है पानी में उसकी मात्रा जो है 50 मिलीग्राम पर लीटर से कम है, वहां पे आरओ का यूज ना किया जाए, इसे पहला कहा गया था। उसके बाद बैन जो है वाज ऑर्डर्ड ऑन ग्राउंड्स दैट आरओ वेस्टेड वाटर। तो आरओ क्या करते हैं कि पानी को बहुत ज्यादा बर्बाद कर देते हैं। यहाँ पे अभी क्या कहा गया है कि मिनिस्ट्री ने It also asked the ministry to lay down a requirement कि भाई एक requirement लगाई जाए for RO system manufacturer जो भी manufacture करते हैं कि जो water की जो recovery होती है ना treated water की that should be at least 60%। अभी इससे पहले क्या था prescribe किया गया था 20%, लेकिन recovery 60% होनी चाहिए जो कि gradually 60% से 75% तक enhance कर दी जाएगी कि इतनी water जो है इतना जो है percent water जो है वो ट्रीट होना चाहिए। उसके बाद है न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो ये क्या है, ये सिंपली एक टेक्निक है इन क्वालिटी कंट्रोल एंड रिसर्च फॉर डिटर्मिनिंग द कंटेंट एंड प्योरिटी ऑफ सैंपल एज वेल एज मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। जो हमारे फार्मास्यूटिकल जो है फील्ड है जैसे केमिकल मॉलिक्यूल्स होते हैं तो ये जो स्पेक्ट्रोस्कोपी है इट इज इम्पॉर्टेंट टेक्निक फॉर स्ट्रक्चरल कैरेक्टराइजेशन ऑफ फार्मास्यूटिकल एंड अदर केमिकल मॉलिक्यूल्स। तो टेक्निक इज यूज इन क्वालिटी कंट्रोल के भाई पूरा देखा जाता है इसमें रिसर्च वगैरह और क्वालिटी कंट्रोल और रिसर्च में इसको यूज किया जाता है कि देखा जाए कि कितना जो कंटेंट है वो प्योर है। तो किस तरह से काम करती है सिंपल है, आप पढ़ लेना, मैं इसलिए आपको बोल रही हूँ पढ़ लेना क्योंकि ये बहुत ही बेसिक चीजें हैं, अब तक आपने बहुत पढ़ लिया है। तो एक एक पॉइंट जो मैं सिर्फ मैंने बोल के मतलब कि जिसमें समझाने लायक ज्यादा होता नहीं है सिर्फ मैं रिपीट करूंगी, आप सुनोगे फिर से पॉज करके एक बार पढ़ोगे, इच्छा है कि आप खुद पढ़ लो। तो जो समझाने लायक चीजें वो मैं आपको समझा रही हूँ। उसके बाद नेक्स्ट है एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल। एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल टर्म न्यूज में थी। इट इज अ प्राइमरी रॉ मटेरियल फॉर मेकिंग अल्कोहलिक बेवरेजेस। तो इट इज अ कलरलेस फूड ग्रेड अल्कोहल दैट डज नॉट हैव एनी इंप्योरिटीज। इट हैज अ न्यूट्रल स्मेल एंड टेस्ट and typically contain over 95% alcohol by volume. So इसको derive किया जाता है दो different sources से, जैसे कि sugar cane molasses से भी इसको बनाया जाता है और grain से भी इसको बनाया जाता है। use कहाँ किया जाता है जैसे कि whiskey, vodka, gin, cane जो भी होते हैं। So ये जो है जो extra neutral alcohol है ये सर्व करता है एज एन इसेंशियल इंग्रेडिएंट इन मैन्युफैक्चर ऑफ कॉस्मेटिक्स। क्या है कि जैसे ये टर्म है तो आपको पता होना चाहिए कि इसको डिराइव कहाँ से किया जाता है और पता होना चाहिए कि इसकी एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ है। एप्लीकेशंस में जैसे कि अल्कोहल बेवरेजेस तो बनाने के लिए होता ही अल्कोहलिक बेवरेजेस में, उसके अलावा जैसे कि मैन्युफैक्चर ऑफ कॉस्मेटिक्स एंड पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स सच एज परफ्यूम्स, टॉयलेटरीज, हेयर स्प्रेज एटसेट्रा। उसके बाद गिवन इज प्रॉपर्टीज एज अ गुड सॉल्वेंट। ईएनए आल्सो फाइंड्स इंडस्ट्रियल यूज एंड इज यूटिलाइज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ सम लिक्विड्स। उसके बाद है पेंट्स एंड इंक फॉर द प्रिंटिंग इंडस्ट्री एज वेल एज इन फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स सच एज एंटीसेप्टिक्स, ड्रग्स, सिरप्स, मेडिकेटेड स्प्रेज। इसके बाद नेक्स्ट है वर्चुअल ऑटोप्सी। वर्चुअल ऑटोप्सी एक टाइप की जैसे कोई पेशेंट नहीं कोई भी इंसान जैसे उसकी डेथ होती है उसके बाद पोस्टमार्टम होता है उसकी ऑटोप्सी होती है, तो उसमें वर्चुअल ऑटोप्सी का एक कॉन्सेप्ट है। डॉक्टर यहाँ पे क्या करते हैं रेडिएशन को यूज करते हैं टू एग्जामिन द इनर्ट्स टू रीच अ कंक्लूजन अबाउट द कॉज ऑफ द डेथ। सो वर्चुअल ऑटोप्सी एसीटी जो है और द एमआर जो मशीन है कुड बी यूज्ड इन द सेम वे दैट दे आर यूज्ड टू स्कैन अ लिविंग ह्यूमंस बॉडी। सो एम्स न्यू दिल्ली एंड इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च आर वर्किंग टुगेदर ऑन टेक्निक फॉर पोस्टमार्टम विदाउट इंसाइसिंग dissecting the body. So this technique is likely to become functional in next 6 months. A virtual autopsy is also faster than a traditional one. 30 minute लगेंगे यहाँ पे, जो traditional one है उसमें 2.5 घंटे लग जाते थे और cost effective भी ये technology होगी। उसके बाद है जेनोबॉट्स, ये एक लिविंग रोबोट का कॉन्सेप्ट है, इसको साइंटिस्ट जो है यूएसए के उन्होंने क्रिएट किया है। वर्ल्ड का फर्स्ट लिविंग मशीन जो है टाइनी रोबोट्स हैं बिल्ड फ्रॉम सेल्स ऑफ द अफ्रीकन क्रॉल्ड फ्रॉग दैट कैन मूव अराउंड ऑन देयर ओन। सो दे हैव नेम्ड द मिलीमीटर, उनको नाम दिया गया मिलीमीटर वाइड रोबोट्स, जिनको नाम दिया गया है Xenobots after the species of aquatic frog found across sub-Saharan Africa from Nigeria and Sudan to South Africa, Xenopus laevis. Scientists have repurposed living cells scrapped from frog embryos and assembled them into entirely new life forms. The Xenobots can move towards a target, perhaps pick up a payload like a medicine that needs to be carried to a specific place inside a patient and heal themselves after being cut. उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है पॉलीक्रैक टेक्नोलॉजी। पॉलीक्रैक टेक्नोलॉजी जो है सबसे पहले इसके बारे में पढ़ लेते हैं। इट इज वर्ल्ड्स फर्स्ट, यहाँ पे फर्स्ट वर्ड है, वर्ल्ड्स वेरी फर्स्ट पेटेंटेड हेट्रोजीनियस कैटालिटिक प्रोसेस विच कन्वर्ट्स, यहाँ पे क्या होता है कि जो मल्टीपल फीड स्टॉक है उसको जो है कन्वर्ट किया जाता है इनटू हाइड्रोकार्बन लिक्विड, जैसे कि वेस्ट को लिया जाता है, वेस्ट किसी भी टाइप का हो सकता है, यहाँ पे ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, पेट्रोलियम जो है, स्लजिस जो होती हैं, प्लास्टिक्स होती है, ई वेस्ट। यहाँ पे इंपॉर्टेंट यही है कि हेट्रोजीनियस बहुत ज्यादा अलग अलग टाइप का वेस्ट होता है जिससे जो है लिक्विड फ्यूल बनाए जा सकते हैं। इंपॉर्टेंट ये है कि ये फर्स्ट का पहला पेटेंटेड हेट्रोजीनियस कैटालिटिक प्रोसेस है जहाँ पे जो है अलग अलग टाइप का वेस्ट लिया जाता है, उसको कन्वर्ट किया जाता है इनटू हाइड्रोकार्बन, लिक्विड फ्यूल्स, गैस, कार्बन एज वेल एज वाटर। सो वेस्ट जनरेटर विल बिकम द फीडर मटेरियल फॉर waste to energy plant. The energy which will be produced at the plant will be in the form of light diesel oil and this oil will be used to light furnaces. इसकी सबसे बड़ी एडवांटेज ये है कि ये जो environment को pollute नहीं करता है। और इसमें न्यूज क्या थी, न्यूज ये है कि इंडियन रेलवेज हैज पुट इन प्लेस द कंट्रीज फर्स्ट वेस्ट टू एनर्जी प्लांट एट द मैनचेस्टर कैरेज रिपेयर वर्कशॉप इन ओडिशा। सो यहाँ पे प्लांट यूजिंग द पेटेंटेड टेक्नोलॉजी कॉल्ड पॉलीट्रैक, इट इज फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इन द इंडियन रेलवेज एंड फोर्थ इन द कंट्री। तो ये जो प्लांट लगाया गया है, इंडियन रेलवे ने पहली बार ऐसी टेक्नोलॉजी यूज करके प्लांट लगाया है। ओवरऑल इंडिया में ये फोर्थ प्लांट है इस टेक्नोलॉजी को यूज करके। कन्वर्ट करता है फीड स्टॉक्स इनटू हाइड्रोकार्बन, लिक्विड फ्यूल्स, गैस, कार्बन एंड वाटर। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है पॉलीक्रैक टेक्नोलॉजी, इसको अच्छे से पढ़ लेना, इसकी जो जो मैंने बताया है सारा कुछ। उसके बाद है SnowEx। SnowEx क्या है, फॉर अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ मच वाटर इज कंटेन्ड इन ईच विंटर स्नोफॉल एंड हाउ मच विल बी अवेलेबल व्हेन इट मेल्ट्स इन द स्प्रिंग, नासा हैज लॉन्च्ड, इंपॉर्टेंट है कि नासा ने लॉन्च किया एक सीजनल कैंपेन, पार्ट है ये एक 5-year प्रोग्राम कॉल्ड SnowEx। तो ये 5-year प्रोग्राम है SnowEx जिसको 2016-17 में लॉन्च किया गया था, इसके अंडर एक सीजनल कैंपेन लॉन्च किया है नासा का ये प्रोग्राम है। While the geographical focus of the SnowEx is North America, NASA's overall target is optimal strategies for mapping global snow water equivalent with remote sensing and more models, leading to a decadal survey Earth System Explorer mission. So mission will utilize a suite of airborne instruments such as LIDAR, SAR, passive microwave, multispectral, hyperspectral, WISP, IR, and others, as well as ground measurements to study snow water equivalent in forested areas. नेक्स्ट है हमारा एक्स्ट्राकुलर विजन। एक्स्ट्राकुलर विजन एक टर्म है जो कि न्यूज में आई थी, जिसका मतलब ये होता है कि इट इज अबिलिटी टू सी विदाउट आईज। अगर किसी इंसान की आंखें भी नहीं है फिर भी वो देख सकता है, तो ऐसी एक अबिलिटी उसको कहते हैं एक्स्ट्राकुलर विजन। तो फॉर द फर्स्ट टाइम पहली बार ऐसा हुआ कि रिसर्चर्स ने दिखाया कि एक स्पीशी है ब्रिटल स्टार्स की, जो कि एक रिलेटिव है स्टारफिश के बारे में आपने सुना होगा, स्टारफिश की एक स्पीशी है ब्रिटल स्टार्स। वो क्या करते हैं कि उनकी आंखें नहीं है, बिना आंखों के भी वो देख लेते हैं। सो इन सी ऑर्चिन्स एंड ब्रिटल स्टार्स रिसर्चर्स सस्पेक्ट दैट एक्स्ट्राक्यूलर विजन इज फैसिलिटेटेड बाय फोटोरिसेप्टर सेल्स found on their bodies. The researchers suggest that a brittle star sees with the help of light-sensing cells that cover its entire body. These light-sensing cells give the brittle star visual stimuli, allowing it to recognize core structures such as rocks, the research suggests. नेक्स्ट है हमारा सिल्वर लाइन रेलवे प्रोजेक्ट। सिल्वर लाइन रेलवे प्रोजेक्ट न्यूज में इसलिए था कि केरला ने क्या किया है, जैसे केरला जो हमारा जैसे ये मैप है, यहाँ पे जैसे केरला है, तो केरला ने क्या किया है कि यहाँ से यहाँ तक एक पूरा रेलवे लाइन बिछाने का प्रोजेक्ट लाया है, जो कि प्रोजेक्ट का नाम है सिल्वर लाइन रेलवे प्रोजेक्ट। सिल्वर लाइन रेलवे प्रोजेक्ट जो है मिनिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे जो है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज जो है ग्रांटेड इन प्रिंसिपल अप्रूवल फॉर सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट अ प्रपोजल ऑफ केरला गवर्नमेंट दैट इन्वॉल्व्स लेइंग ऑफ सेमी हाई स्पीड ट्रेन्स बिटवीन द टू कॉर्नर्स ऑफ द स्टेट ऑफ केरला। तो एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक इसमें क्या होगा, ट्रेन्स टू कनेक्ट मेजर डिस्ट्रिक्ट्स एंड टाउन्स विद अ सेमी हाई स्पीड ट्रेन्स दैट विल रन ऑन देयर ओन ट्रैक्स। मतलब क्या है कि जो ऑलरेडी ट्रैक्स हैं उनके ऊपर ट्रेन्स नहीं चलेगी, नए ट्रैक्स जो है वो बनाए जाएंगे, और नए ट्रैक्स बनाए जाएंगे। इससे एडवांटेज ये होगा कि पूरी की पूरी जर्नी को कवर करने के लिए यहाँ से यहाँ तक पूरे फर्स्ट से एंड पॉइंट तक कितना टाइम लगेगा, दिस वुड कंप्लीट द जर्नी एट 4 आवर्स। अदरवाइज कितने लगते हैं, 12 घंटे लगते हैं, इसको 4 घंटे ही लगेंगे, क्योंकि नए ट्रैक्स वगैरह बिछाए जाएंगे जिनमें कोशिश की जाएगी कि ज्यादा टाइम ना लगे। सो यहाँ पे जो प्रोजेक्ट है द 532 किलोमीटर कॉरिडोर होगा ये, इस प्रोजेक्ट टू बी बिल्ट एट अ कॉस्ट ऑफ 56,443 करोड़। नेक्स्ट और हमारा लास्ट टॉपिक है इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स, जो कि हर साल यूएसए का जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स है इसको जो है इसको लॉन्च करता है, इस इंडेक्स को। तो इस बार इन्होंने जो लॉन्च किया है, यहाँ पे क्या है कि 53 कंट्रीज को रैंक किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रिजीम इन देयर कंट्री। जैसे कि इंडिया में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के अंदर क्या क्या आ जाता है, जैसे पेटेंट आ जाते हैं, कॉपीराइट्स आते हैं। तो किस तरह से किसी भी कंट्री जो है वो कोई भी कंट्री अपने जो वहाँ पे होने वाली जो इनोवेशंस हैं उनको किस तरह से प्रोटेक्ट करते हैं, कितने पेटेंट फाइल होते हैं, कितने कॉपीराइट होते हैं, ये सारी पूरी रजीम को देखते हुए कितनी किसी कंट्री में जो है इनोवेशन को प्रमोट किया जाता है, तो उसी बेसिस पे कंट्रीज को जो है रैंक किया जाता है। इंडिया का लास्ट ईयर रैंक 36 था, हम बहुत खुश हुए थे कि हमारा रैंक का जो है बढ़ गया है, लेकिन फिर से हम गिर गए हैं 40th पोजीशन पे। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि जो रैंक दिया जाता है, जिस बेसिस पे दिया जाता है, जो स्कोर कार्ड होता है, हमारा स्कोर कार्ड बढ़ा है। स्कोर कार्ड हमारा पहले 36.04 था, अभी जो है 38.46% हो गया है, लेकिन हमारा रैंक इसलिए गिर गया है क्योंकि बाकी जो हमारे से आगे 39 कंट्रीज है उनका स्कोर जो है हमसे ज्यादा है। सो यूएसए, यूके, स्वीडन, फ्रांस, जर्मनी रिमेन्ड द टॉप 5 इकोनॉमीज ऑन द इंडेक्स। इंडिया नीड्स टू डू मोर इन द फील्ड ऑफ पेटेंट एनफोर्समेंट, कंपल्सरी लाइसेंसिंग, regulatory data protection, transparency in reporting seizures by customs, signing Singapore Treaty on the law of trademarks and patent law treaty. तो ये हो गया पूरा हमारा कवर। हमने साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जो है मई 2019 से मार्च 2020 तक के पूरे जो है करंट अफेयर्स कवर कर लिए हैं। आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए कुछ भी और रेफर इस पीरियड में करने की जरूरत नहीं है, मैंने पूरे के पूरे करंट अफेयर्स आपको कवर करवा दिए हैं। सो होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो। अगर आप सीरियस एस्पिरेंट है तभी आप मुझे इस वक्त सुन रहे हैं, इस वक्त का मतलब है तभी आपने पूरी वीडियो देखी, अदरवाइज आप पूरी वीडियो क्यों देखते। सो आप सीरियस एस्पिरेंट हो तो मैं आपको यही कहूंगी कि आपने अगर ये सीरीज कंप्लीट कर ली है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए आपको और कुछ भी रेफर करने के लिए, करंट अफेयर्स के लिए जरूरत नहीं है। हमने जो है मई 2019 से मार्च 2020 के करंट अफेयर्स कवर कर लिए हैं। उसके बाद अप्रैल से मैंने वीकली करंट अफेयर शुरू किए हैं, आप वो देखना शुरू कर दीजिएगा। अभी हमारा ये खत्म हो गया। आप अच्छे से पढ़ते रहिए, हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। टिल देन बाय, टेक केयर।